दोस्तों अगर आपके भी एडसेंस में जो है इस तरह की रेड लाइन आ रही है, एक्शन रिक्वायर्ड, देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है या तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एरर है, या फिर आपका पिन वेरिफिकेशन एरर है, या फिर आपने जो है सिंगापुर टैक्स या फिर यूएस टैक्स नहीं भरा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि आप सिंगापुर टैक्स का जो फॉर्म है वो कैसे भरने वाले हो इजिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना एडसेंस खोल लिया है, आप सिंपली लैपटॉप में भी कर सकते हो और फोन से भी कर सकते हो। मैं फोन में इसलिए बताऊँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है फोन होता है, फोन से चलाते हैं यूट्यूब एडसेंस वगैरह। बाकी आपके चैनल में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे पूछ सकते हो या फिर मेरे से भी करवा सकते हो। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9548271588, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो है shobiara25। मेरा जो पुराना इंस्टाग्राम था वो यार उसमें रीच नहीं आ रही थी, मैंने उसको बंद कर दिया, मतलब उसको चला नहीं रहा हूँ ज्यादा। अब जो नया इंस्टाग्राम है उसका जो यूजर नेम है वो पुराना वाला ही यूजर नेम है shobiara25, shobiara25। ज्यादा फॉलोअर नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, तो भाई आप फॉलो कर लेना। दोस्तों अब से कुछ टाइम पहले क्या होता था कि हम लोग जब यूएस टैक्स नहीं भरते थे तो हमारी पेमेंट जो होल्ड हो जाती थी और पेमेंट आती नहीं थी, और सिंगापुर टैक्स भरने से फॉर्म भरने से कोई दिक्कत नहीं होती थी, फिर भी पेमेंट आ जाती थी कभी कभी और कभी कभी होल्ड होती थी। अब क्या हो रहा है, सिंगापुर टैक्स फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपकी पेमेंट जो है रिलीज नहीं होती है, तो ये सिंगापुर टैक्स फॉर्म भरना कंपलसरी आई थिंक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड लाइन भी आ रही है, टू अवॉइड एनी डिलेज ऑन योर पेमेंट, तो यहाँ पर सिंगापुर टैक्स इन्फो हैज प्रोवाइड योर सिंगापुर टैक्स इन्फो एज सून एज पॉसिबल, मतलब आपका अगर होल्ड नहीं चाहिए अपनी पेमेंट में, रिसीव करना जल्दी चाहते हो अपनी पेमेंट को, और आपको सिंगापुर टैक्स फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह तो कर लिया है, बस ये रह गया सिंगापुर टैक्स फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेड लाइन पे, रेड जो आ रहा है पूरा रेड रेड, उसका यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन यूएस टैक्स का, सिंगापुर टैक्स का ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर एड टैक्स इन्फो पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल इसको भरना। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस टाइप, यहाँ पर इंडिविजुअल है इंडिविजुअल, उसके बाद डू यू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिश्ड इन सिंगापुर, तो नो हम लोग वहाँ पे नहीं है, और आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यस करके यहाँ पर आपको जो अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है, उसका नीचे चलना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स एग्जम्पशन, तो नो कर देना है, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे बोलेगा आर यू एलिजिबल फॉर अदर एग्जम्पशन और लोअर टैक्स रेट्स, यहाँ पर नो कर देना है और सिंपली सबमिट कर देना है, बस उसके बाद देखिए अप्रूव हो जाएगा आपके सामने ही। लीजिए एक्सेप्टेड, योर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड, सिंपल, तो ये हो गया। इस तरह से आप अपना सिंगापुर टैक्स फॉर्म भरने वाले हो। यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने जो है सिंगापुर टैक्स फॉर्म भर लिया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।